जय हिंद। मैं कैडेट दिनमंधुलाल पटेल, शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला वाणिज्य महाविद्यालय, 7CG बटालियन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आज हमारे देश में भयंकर बड़ी महामारी, जिसे कोरोना या कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, इस बीमारी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तथा भारत को पहले से बेहतर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे लोकल फॉर वोकल इत्यादि, तथा इन्हीं में से एक कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको आत्मनिर्भर भारत के जरूरत और मायने के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आत्मनिर्भर भारत, इस योजना की शुरुआत 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह एक बेहतर लक्ष्य है। इसे हासिल करने का उद्देश्य यही है कि हम किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। और आपको याद होगा कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भारत एक आत्मनिर्भर इकाई थी। अच्छा लगता है जब हम आदर्श रूप में अच्छे हों और आत्मनिर्भर हों, उसके बाद दुनिया के लिए कुछ दें। सबसे पहले हम आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा करते हैं। तो इकोनॉमिक हिसाब से आत्मनिर्भर भारत को हासिल करने के लिए भारत को सभी क्षेत्रों में कुशल बनाना होगा, तभी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को जितना ज़्यादा आउटपुट हासिल हो सके हासिल करना होगा, बल्कि इसके साथ साथ प्रबंधन, कौशल विकास, इन चीज़ों को जोड़ना होगा। आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ओर जाया जाए, तथा ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना होगा और हमारे पास जो तकनीकी ज्ञान की पूंजी है उसका सही इस्तेमाल करना होगा। और इन सभी चीज़ों में कौशल विकास, तकनीकी ज्ञान, संसाधन, इन सेक्टरों में हमें वो लक्ष्य हासिल करना होगा जिससे हमें किसी बाहरी मदद की आवश्यकता ना पड़े। तो हम समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है। मतलब एक ऐसा भारत जो इकोनॉमिक रूप से सभी क्षेत्रों में दक्ष हो, हमारे पास संसाधन हो, हमारे पास कौशल हो, हमारे पास प्रबंधन हो, और इन सभी चीज़ों में ऐसा संचालन जिससे भारत को दूसरे देशों की आवश्यकता ना पड़े। जब ऐसी अवस्था आएगी तो भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा। तो कहा जा सकता है आत्मनिर्भर भारत, मतलब उसे किसी अन्य देश की जरूरत नहीं। सभी मानकों पर वह आर्थिक दृष्टि से अपने आप पर सक्षम होगा और हमें इसी लक्ष्य को हासिल करना होगा। जन जन को यह प्रण दिलाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं दिनबंधुलाल पटेल आपसे इसी उम्मीद से विदा लेता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुरुआत खुद से, अंत जन जन तक। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।